गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है और उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। तो मैं आज जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो है टोनर। तो व्हाट इज़ टोनर, व्हाई फेस टोनर इज इम्पॉर्टेंट और हाउ टू चूज एंड अप्लाई फेस टोनर, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो टोनर के रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, वो इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी और जो भी मुझे पता है, जो भी मेरा नॉलेज है, जो भी मेरा आइडिया है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स मूव ऑन द वीडियो। ओके गाइस, तो टोनर जो होता है ना, वो हमारे स्किन केयर रूटीन में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो टोनर के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता कि उसको लगाने के फ़ायदे क्या होते हैं, बेनिफिट क्या होता है, टोनर को स्किप करने के नुकसान क्या होते हैं और टोनर लगाने से हमारे फेस पर क्या बेनिफिट दिखता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अपने स्किन केयर रूटीन में टोनर को स्किप कर देते हैं, ऐड ही नहीं करते। तो टोनर जो वर्ड है वो कहाँ से आए, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो टोनर वर्ड जो है वो टोनिक प्लस वाटर इज इक्वल टू टोनर, तो यहाँ से टोनर का वर्ड आया है। तो अब हम बात करते हैं कि टोनर हमारे स्किन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो टोनर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम ये करता है, हम लोग क्या करते हैं आजकल लाइफ में, हम लोग मेकअप वगैरह करते हैं, केमिकल वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो स्किन की पीएच बैलेंस है ना, वो डिसबैलेंस हो जाती है। तो टोनर अगर आप यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है। जो मेकअप और केमिकल वगैरह यूज़ करने के बाद आपकी स्किन की जो पीएच बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाती है, टोनर यूज़ करने से आपके पीएच बैलेंस जो है वो मेंटेन रहती है। आपके जो ओपन पोर्स, लार्ज पोर्स की जो प्रॉब्लम होती है, टोनर काफी हद तक हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। जो लोग ऑयली स्किन वाले होते हैं उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल आता है, तो अगर ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टोनर यूज़ करना। अगर ऑयली स्किन वाले टोनर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, टोनर उनके जो एक्सेस ऑयल है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। हम लोग आजकल बाहर जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे स्किन पर डर्ट पॉल्यूशन वगैरह लग जाते हैं, जिसके वजह से हमें क्या होता है, हमें क्लॉग पोर्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप टोनर यूज़ करोगे तो आपके ओपन पोर्स को टोनर मिनिमाइज करेगा, जिसके वजह से आपको क्लॉग पोर्स की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं टोनर के दूसरे बारे में। तो टोनर जो होता है, अगर आप टोनर अप्लाई करोगे ना, तो टोनर आपको आपके स्किन केयर के नेक्स्ट स्टेप के लिए आपके स्किन को प्रिपेयर कर लेगा। यानी कि टोनर अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन जो है वो आपके स्किन केयर रूटीन के नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर हो जाएगी, बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो मार्केट में बहुत सारे टोनर आपको अवेलेबल है। अगर आप डीआईवाई में बिलीव करते हो, अगर आपको डीआईवाई टोनर ही यूज़ करना है, तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर एक दो ऑप्शन आपको दूंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है एलोवेरा जेल। यहाँ पर मैं आपको जस्ट ऑप्शन दिखा रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। यहाँ पर मुझे गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा पसंद है, ये करेंटली मैं अभी इसे यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको दिखा रही हूँ। आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल ले लेना है। अगर आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल ले रहे हो तो उसके आपको थोड़े से एलोवेरा जेल लेने हैं, उसके बाद आपको उसमें रोज़ वाटर मिक्स करना है और उससे अच्छे से शेक कर लीजिए, अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, स्प्रे बोतल में ट्रांसफ़र कर लीजिए, उसके बाद आप अपने फेस पर टोनर स्प्रे कर सकते हो। अगर आपको मार्केट वाला एलोवेरा जेल नहीं लेना है, अगर आपके घर पर एलोवेरा प्लांट है, तो आप क्या करना, वो एलोवेरा प्लांट से एलोवेरा जेल को निकाल लेना, मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेना, देन उसमें आप रोज़ वाटर मिक्स कर सकते हो और आप अपना टोनर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, रोज़ वाटर। अगर आप डीआईवाई रोज़ वाटर बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, रोज़ के पेटल्स लेने हैं, उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप उसको अच्छे प्योर वाटर में, जो मतलब समझ रहे हो ना, प्योर वाटर में आप उसको उबाल लीजिए, उसके बाद उसे छान लीजिए, बिल्कुल ठंडा कर लीजिए, उसे आप अपने फ्रिज में रख सकते हो। देन उसको आप अच्छे से अपने टोनर पर एज ए टोनर अप्लाई कर सकते हो। रोज़ वाटर बहुत अच्छा टोनर का वर्क करता है। देन अगर आपको रोज़ वाटर अपने घर पर नहीं बनाना, तो मार्केट में भी टोनर रोज़ वाटर अवेलेबल है, तो उस रोज़ वाटर को भी आप एज ए टोनर यूज़ कर सकते हो। अभी जो है वो समर्स आने वाले हैं, तो मैं नेक्स्ट आपको ऑप्शन देने वाली हूँ समर्स के लिए बेस्ट टोनर की। तो आपको क्या करना है, कुकुम्बर का आप जूस ले सकते हो, उसे भी आप एज ए टोनर अप्लाई कर सकते हो, समर्स में ये बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है। ओके गाइस, तो जब आप अपने फेस पर टोनर अप्लाई करोगे ना, तो ये आपके फेस को हाइड्रेटेड भी रखता है। अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई टोनर।
सो टोनर को आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको सिंपल एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है जो कि है CTM. CTM यानी कि क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. तो आपको टोनर अप्लाई करने से पहले क्या करना है, अपने फेस वॉश से अच्छे से अपने स्किन को क्लींस कर लेना है. उसके बाद आपका जो फेस है वो टोनर अप्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है. तो आप उसके बाद अपना टोनर अप्लाई कर सकते हैं. टोनर अप्लाई करने के बाद आप ना क्या करोगे, अपने फेस को मॉइस्चराइज रखोगे. तो टोनर अप्लाई करने के दो तरीके हैं. पहले आपको क्या करना है, अपने फेस पर आप सिंपली टोनर को स्प्रे कर सकते हो और उसके बाद फिंगर टिप से टैप टैप करके आप उसे ड्राई कर सकते हो. सेकंड जो ऑप्शन है उससे क्या करना है, आपको एक कॉटन पैड लेना है. उसके बाद आप अपने टोनर को उस कॉटन पैड में डाल सकते हो, अप्लाई कर सकते हो उसके बाद अपने फेस पर. पर जो कॉटन पैड वाला जो ऑप्शन होता है ना, उससे क्या होता है, आपको ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ में आएगा. कॉटन पैड में आप पहले टोनर को डालोगे तो उससे आपका ज़्यादा प्रोडक्ट जाएगा. उसके बाद जो कॉटन पैड है वो टोनर को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी कर लेता है, तो आपके फेस पर पूरा प्रोडक्ट लग नहीं पाता. तो मुझे वो वाला ऑप्शन उतना ज़्यादा पसंद नहीं. फिर भी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है. मुझे जो स्प्रे वाला टोनर नहीं आता, उसे अपने फेस पर डायरेक्टली मैं अपने फेस पर स्प्रे कर लेती हूँ. उसके बाद अपने फिंगर के हेल्प से डैप टैप करके उसे ड्राई करती हूँ. मुझे ये वाला ऑप्शन जो है वो ज़्यादा पसंद है. इस तरीके से मैं टोनर अप्लाई करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट है वो कम यूज़ होता है और आपके फेस पर ही पूरा का पूरा प्रोडक्ट अप्लाई होता है और बहुत अच्छे से अप्लाई भी हो जाता है टोनर. तो मुझे ये वाला जो अप्लाई करने का तरीका है ना, ये बहुत ज़्यादा पसंद है. सो गाइज, अब हम बात करते हैं कि अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली आपको टोनर कैसे चूज करना है. सो गाइज, अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई टू कॉम्बिनेशन टाइप की है, तो आपको एक ऐसा टोनर चूज करना चाहिए जो आपके फेस को रिफ्रेशिंग करे, हाइड्रेटेड रखे, और आपके टोनर में जो है वो सिट्रिक एसिड होना चाहिए जो आपके स्किन टाइप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. और ऐसा टोनर आपको चूज करना चाहिए जो आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा जेंटल हो, बहुत ज़्यादा माइल्ड हो. ओके, अगर आपकी ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन है, तो आपको एक ऐसा टोनर चूज करना चाहिए जिसमें सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए, या फिर ग्रीन टी होना चाहिए, या फिर आपके टोनर में टी ट्री होना चाहिए. क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना, वो आपके स्किन को बहुत ज़्यादा रिफ्रेश करते हैं, हाइड्रेटेड रखते हैं. ग्रीन टी, सैलिसिलिक एसिड या फिर टी ट्री इंग्रेडिएंट जो होते हैं, वो हमारे स्किन में एक्ने प्रोन की प्रॉब्लम जो होती है, पिंपल जो होती है, उसे किल करने में हेल्प करता है. और जो बैक्टीरिया होते हैं जिसके वजह से हमें एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम होती है, उसे भी ये क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और हमें एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम होने नहीं देता है. और हमारे एक्सेसिव जो ऑयल होते हैं ना, ये तीनों इंग्रेडिएंट जो होते हैं उसे कंट्रोल करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं. ओके गाइस, तो अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई टाइप की है, तो आपको एक ऐसा टोनर चूज करना चाहिए जो आपके स्किन को बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग करे. तो ऐसा टोनर जो होता है वो ड्राई स्किन वालों के लिए आइडियल होता है. बट और आगे जो हम बात करने वाले हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो आपको एक ऐसा टोनर चूज करना है जो टोनर एल्कोहल फ्री हो. मैं आपको यहाँ पर एक दो ऑप्शन देती हूँ. अगर आप DIY में जाने चाहते हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो. अगर आप मार्केट वाला में जाना चाहते हो तो मैं आपको दो ऑप्शन दूंगी. सबसे पहला जो है ये गुड वाइब्स का टोनर है. गुड वाइब्स के टोनर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं इसे एक साल से यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आए हैं ये वाले टोनर. मेरे पास जो है ये गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर है. ग्रीन टी इसलिए क्योंकि मेरी जो स्किन है वो एक्ने प्रोन और पिंपल्स की स्किन है. मेरे स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम रहती है हमेशा. तो मैंने जैसे कि बताया, ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, तो आपके टोनर में ग्रीन टी या फिर टी ट्री या फिर सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए. उसके फायदे क्या क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो ये जो टोनर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये इस तरीके के स्प्रे फॉर्म में आता है जो बहुत अच्छी तरीके से आप अपने स्किन पर स्प्रे कर सकते हो और पैट पैट करके इसे ड्राई कर सकते हो. और ये जो टोनर है ना, ये नो पैराबेन, नो अल्कोहल टोनर है. जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जो भी टोनर यूज़ करो वो अल्कोहल फ्री होना चाहिए, तभी वो टोनर आपके स्किन के लिए अच्छे होंगे, स्किन फ्रेंडली होंगे. तो ये अल्कोहल फ्री टोनर है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. गुड वाइब्स के सारे ही टोनर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. आपको इसमें ह्यूज टोनर की जो रेंज है वो मिल जाएगी. आप ग्रीन टी अप्लाई कर सकते हो, टी ट्री अप्लाई कर सकते हो, कुकुम्बर टोनर मिल जाएंगे, रोज लीफ, रोज, चारकोल, बहुत सारे वैरायटी ऑफ टोनर आपको मिल जाएंगे. तो टोनर के मामले में अगर आप अफोर्डेबल में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आंखें बंद करके आप गुड वाइब्स के टोनर ट्राई कर सकते हो. ये pH को मेंटेन रखता है, आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज रखता है, स्किन को हाइड्रेटेड रिफ्रेश करता है, तो बहुत ज़्यादा पसंद है. सेकेंड में और थोड़ा सा
अगर आप हाई एंड में जाना चाहते हो, हाई एंड तो नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा और ज्यादा प्राइस वाले टोनर में जाना चाहते हो तो आप प्लम का ग्रीन टी टोनर ट्राई कर सकते हो। वो मैंने ट्राई किया है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है, आपके स्किन के ओपन पोर्स को जो है वो मिनिमाइज करेगा, वो भी पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है, उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो वो प्लम के टोनर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, मैंने उसे यूज किया है, अभी तो मेरे पास खत्म हो गए, तो आप उस वाले टोनर को भी यूज कर सकते हो। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा और आपको नॉलेज मिल गया होगा। मुझे जितना भी पता था, जो भी पता था, मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि टोनर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे स्किन केयर के लिए। जो लोग टोनर इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, पर जो लोग स्किन केयर रूटीन में टोनर को स्किप करते हैं, आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद उनको पता चल गया होगा कि टोनर को इस्तेमाल करने के, टोनर को यूज़ करने में कितना फ़ायदा होता है हमारे स्किन के लिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, कैसे आपको इस्तेमाल करना है, किस टाइप का टोनर आपको आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली कैसा टोनर आपको चूज करना चाहिए, मैंने इसमें सब कुछ बताया है। तो आई थिंक आपके लिए वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहा होगा। मैं फिर से नेक्स्ट ऐसा ही कुछ टॉपिक पे एक नॉलेजेबल वीडियो लाने की फिर से कोशिश करूंगी। तो ये आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो अगर रहा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।